सब्सक्राइब कीजिए पियरलेस किचन चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो मेरे फूडी दोस्तों, कैसे हो आप सब। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले ले लेंगे बोनलेस चिकन और इसको अच्छे से धो लेंगे। उसके बाद हम सीधा चलेंगे गैस की ओर। गैस पे एक पतीले में हम लेंगे पानी और पानी में सीधा हम ये चिकन को डाल देंगे। फ्लेम को कर देंगे हाई पे और चिकन में थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे ताकि चिकन के अंदर भी नमक अच्छे से चली जाए। और उसके बाद चिकन को थोड़ा सा हम बॉईल कर लेंगे। जैसे ही आपको ऊपर इस तरीके से झाग दिखे ना, आप गैस को बंद कर देना और चिकन को निकाल लेना। इसे ज़्यादा देर तक पकाने की मतलब कि बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, हम तो इसको बाद में भी फ्राई करने ही वाले हैं। तो इसको हम निकाल लेंगे और साइड में छोड़ देंगे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। पानी में मत रखना, ऐसे ही छोड़ देना प्लेट में। जब आप इसे छू पाओ तभी आप इसको श्रेड कर लेना। अब यहाँ पे ये तो बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए मैं दो फॉर्क की मदद से इसको इस तरीके से छुरा लूँगी। ज़्यादा छोटे छोटे करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत करोगे तो भी चलेगा। और आप चाहो तो इसको हाथों से भी कर सकते हो। हाथों से करने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम था ना, इसलिए मैंने फॉर्क से जल्दी जल्दी कर ली। अब हम इसमें डाल देंगे कुछ मसाले। मसाले में मैंने यहाँ पे ली है एक छोटे साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, दो बड़े चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन, दो बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। आपको अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है। अगर आपको तीखापन ज़्यादा पसंद हो ज़्यादा डालना, कम पसंद हो कम करना। साथ ही में डालनी है थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर तीखापन के लिए ऑब्वियसली। थोड़ी सी हम इसमें डाल देंगे गर्म मसाला एक छोटा चम्मच, एक छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे और डालेंगे एक छोटा चम्मच चाट मसाला या फिर अमचूर पाउडर। थोड़ी सी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ नींबू का रस। अगर आपके पास नींबू ना हो तो आप उसके बदले में ना विनीगर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर करना क्या है, हाथों से इसको अच्छे से मसलते हुए मिक्स करनी है। अगर इसमें ज़्यादा अच्छे से बाइंडिंग नहीं आती है ना, तो आप इसमें एक आलू को भी बॉयल करके डाल सकते हो। मेरे यहाँ पे अच्छे से बाइंडिंग आ गई है, इसलिए मैंने इसमें आलू नहीं डाली है। फिर हमें एक बोल लेनी है और उसमें चार पांच बड़े चम्मच जितना आप डाल देना कॉर्न फ्लावर या फिर कॉर्न स्टार्च। अगर कॉर्न स्टार्च ना हो तो आप इसके बदले में ना एरर रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और डालनी है एक अंडा रूम टेम्परेचर का। और उसके बाद थोड़ा सा नमक डालनी है अपने स्वाद के अनुसार और अच्छे से इसको मिक्स करनी है। पहले तो हम इस कॉर्न स्टार्च के साथ अच्छे से अंडे को मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। पहले ही अगर आप इसमें पानी डाल दोगे ना, तो इसमें ना गुठलियाँ पड़ जाएंगी और ये अच्छे से मिक्स कभी नहीं होगी। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसका एक स्मूथ घोल आपको बनानी है। और दोस्तों, ये जो घोल बनी है ना, ये हमारी चिपकने के काम करेगी, ये ग्लू का काम करेगा। वो कैसे, वो मैं आपको दिखा दूँगी। तो बस इसको हम अच्छे से मिक्स करके साइड में छोड़ देंगे। और उसके बाद हम लेंगे ब्रेड। मैंने यहाँ पे छोटे वाले ब्रेड ली है, आप चाहो तो बड़े वाले ब्रेड भी ले सकते हो। ब्रेड में हम सबसे पहले पहला जो लेयर है वो चिकन का करेंगे। उसके बाद हम इस तरीके से दो स्टिक रख देंगे आइसक्रीम वाली। उसके बाद हम करेंगे दूसरा लेयर और ये स्टिक को ढक देंगे। और उसके बाद अच्छे से ऊपर से भर के हम एक और ब्रेड को ऊपर से इस तरीके से हाथों से थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसको सेट कर लेंगे। और उसके बाद बिल्कुल बीचों बीच हम नाइफ से एक कट लगा लेंगे। नाइफ ना थोड़ा सा शार्प होनी चाहिए, नहीं तो ये ब्रेड अगर बिखर गई तो अंदर का जो स्टफिंग है ना, वो भी बाहर निकल के आ जाएगी। उसके बाद हम इसको इस तरीके से डिप करेंगे वो वाली में जो हमने अभी बनाई है। और फिर इसको सीधा डाल रहा है दोस्तों तेल में। डीप फ्राई नहीं करनी है, अगर आप डीप फ्राई करने जाओगे ना तो ये बिल्कुल बिखर जाएंगे। इस तरीके से शैलो फ्राई करनी है, पलटते हुए तब तक फ्राई करना जब तक इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती है और ये थोड़े से क्रिस्पी नहीं बन जाते हैं। और जो घोल हमने बनाई थी ना, वो घोल काम करेगी दोस्तों के अंदर का जो स्टफिंग है ना, वो बाहर निकल के नहीं आएगी, जैसा कि आप देख ही सकते हो। तो इस तरीके से ना हम पलटते हुए इसको फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। मीडियम फ्लेम पे करेंगे तभी जाके ये अच्छे से क्रिस्प बनेंगे, नहीं तो ये क्रिस्पी नहीं बनेगी। हाई फ्लेम पे करोगे तो ये पहले तो क्रिस्पी बनेंगे लेकिन थोड़ी देर के बाद ना ये नरम हो जाएंगे, और लो फ्लेम पे करोगे तो ये बहुत सारा तेल पी लेगा।
तो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करनी है पलटते हुए। इसी तरीके से मैंने सारे स्टिक्स बना के तैयार कर लिए है। ऊपर से बस थोड़ी सी टमाटो केचप की गार्निशिंग कर देती हूँ और यह बिल्कुल तैयार है सर्व होने के लिए। गर्मा गर्म खाना दोस्तों, बड़ा मज़ा आएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को, ताकि इस तरह के वीडियोस मैं आपके साथ और भी शेयर कर सकूं। और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नया रेसिपी के साथ।